किसान कहाँ धरना कर रहे हैं? किसान तो नहीं, किसान तो अपने खेत में लगा हुआ। ये दूसरी पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सुबह शाम तक पूछते हैं। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। अगर कोई कानून किसने हाथ में लिया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर कानून लिया किसी मंत्री विधायक के खिलाफ लिया, बीजेपी वालों के खिलाफ क्यों? बीजेपी वाले या जजपा वालों के खिलाफ तो आंदोलन और भी तो है, और दलों के विधायक उनके खिलाफ भी करिए ना। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। शर्मा जी, कोरोना की दूसरी लहर लगभग अब ढीली पड़ती नजर आ रही है, तो हरियाणा रोडवेज की बसों की रफ्तार कहां तक पहुंची है? क्या पड़ोसी राज्यों में जो है पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, सब जगह जानी शुरू हो गई हैं? अब धीरे धीरे हरियाणा रोडवेज की जो बस है दूसरे प्रदेशों में रोज डिमांड है, हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पहले 1000 थी, आज 1400-1500 बस है। जैसे जैसे कोविड ख़त्म होगा उसी हिसाब से बसों की स्पीड भी तेज होगी। किन किन स्टेट्स ने, पड़ोसी राज्यों ने हमें NOC नहीं दी अभी तक? नहीं, जैसे लोगों का हिमाचल है, बसें तो जा रही हैं, कम जा रही हैं। पंजाब है कम है, राजस्थान है कम है, उत्तर प्रदेश है कम है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये कोविड का समाप्ति की तरफ है, उसी के कारण अब बसों की जो डिमांड है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, हम बसों को बढ़ा रहे हैं। यात्रियों की संख्या की बात करें तो इस वक्त यात्रियों की संख्या अनुमानित कितनी होगी? जो नियम है, जो कानून है, केंद्र सरकार के जो नियम है या प्रदेश के कानून है, उस कानून की पालना करेंगे और कानून से जो जो कोविड के जो कानून बनाए हैं 50% उस मर्यादा के रहकर ही बस चलाएंगे। पंडित जी, इसके अलावा खनन विभाग आपके पास है, खनन विभाग की क्या स्थिति है? खनन विभाग पहले से बेहतर है। पिछले साल 702 करोड़ थे और कांग्रेस के जमाने में 551 करोड़ थे और हमने 702 करोड़ बढ़ाया। 702 थे 1023 करोड़ रुपये पिछले उसमें, और कोविड के समय में जो हालात हैं आने वाले समय में, इसका भी क्या है कि मुझे भरोसा है कि 1200 करोड़ के करीब माइनिंग में को पहुँचा। पंडित जी, 26 जून एमरजेंसी लागू हुई थी, इसको बीजेपी वाले हर साल अपने हिसाब से मनाते हैं। इस बार जो किसान संयुक्त मोर्चा है उन्होंने भी समर्थन कर दिया, एक धड़े ने। उन्होंने कहा है कि इस जो एमरजेंसी का डे है उसको वो भी कई जगह धरने प्रदर्शन कर मनाएंगे। किसान कहाँ धरना कर रहे हैं? किसान तो नहीं, किसान तो अपने खेत में लगा हुआ, खलिहान में लगा हुआ है। दूसरे दलों के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी, वो हैं, किसान तो अपने काम पर लगा हुआ है। ये दूसरी पार्टियों के नेता हैं, उनको लाए हैं, किसान तो काम में लगा हुआ है। कोई धनाई के, कोई धान की रुपाई में है, कोई कपास की बिजाई में है, नड़ाई में है, गुड़ाई में है, काम में लगे हुए हैं। ये दूसरी पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सुबह शाम तक कोसते हैं। पर एमरजेंसी डे पर तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं किसान? नहीं, करना है ना करना उनका काम, वो क्या करे क्या करें? जैसे अनिल विज ने कहा ना, उनका अधिकार है, वो क्या करे क्या नहीं करे उनका अधिकार करिए, कोई मना तो कर नहीं रहा उनसे। क्या करें, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये उनका अधिकार है। किसान, जो किसान के नाम से जो संगठन, उनका अधिकार। जैसे कि मंत्रियों, विधायकों का घेराव किया जा रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, नहीं, उनका अधिकार है, खूब करें। मंत्रियों का अधिकार करें, विधायक के खिलाफ करें। विधायक अपना काम करेगा, मंत्री अपना काम करेगा, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। अगर कोई कानून किसने हाथ में लिया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर कानून लिया किसी मंत्री विधायक के खिलाफ लिया, भी बीजेपी वालों के खिलाफ क्यों? बीजेपी वाले या जजपा वालों के खिलाफ तो आंदोलन और भी तो है, और दलों के विधायक उनके खिलाफ भी करिए ना। तो आपको जो आप शंका व्यक्त कर रहे हैं कि राजनीतिक दल के नेता इनमें घुसे हुए हैं, कौन से नेता हो सकते हैं? नहीं, आपको सब पता लगे, सब पता है, सारी दुनिया को पता है कौन है क्या है। ये आने वाले, ये सारा किसान ही रहते गे सोनीपत के ऊपर, नहीं ना रेवाड़ी में रहता, ना महेंद्रगढ़ में रहता, ना बिहाड़ी में रहता, ना फरीदाबाद में रहता, ना गुड़गांव में रहता, ना पंचकुला को मानते, ना यमुनानगर को मानते, ना कुरुक्षेत्र के पार्ट को मानते, ना सोनीपत के आधे पार्ट को मानते। पर शर्मा जी, जिस प्रकार से अब सोनीपत के आसपास के गांवों की जो पंचायतों में फैसला किया गया है कि गांवों से जो रास्ते दिल्ली को जाते हैं वो भी बंद किए जाएंगे, उनका अधिकार है, रास्ते कहीं बंद कर ले, कोई मना थोड़ी कर रहा, खूब करे बंद, कोई मना थोड़ी कर रहा है, खूब करे ना। एक बार किसान फिर से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं आंदोलन के लिए?
जाना चाहिए, उनका अधिकार है, कौन रोक रहा है? अधिकार है उनका, जाना चाहिए। अधिकार, हर आदमी अपने अधिकार के लिए जाएगा। पर ये तो बता, किसान की समस्या क्या है, किसान को परेशानी क्या है? अगर मनोहर और मोदी के नेतृत्व में किसान दुखी है तो इसको भगवान नहीं बचा पाएगा। आज देखिए ना कितना एमएसपी, आज देखिए ना बाजरे का भाव कितना, देखिए ना कभी इतिहास में सुना नहीं था, 10-10 रुपये बढ़ा करते थे, ओलावृष्टि के नाम पे 100-100 रुपये मिला करते थे, हजारों करोड़ बांटा, सफेद मक्खी के नाम पे, कपास के नाम से हजारों करोड़ बांटा। मेरे पलवल जिले में 200 करोड़ मिला ओलावृष्टि के नाम पे, कभी 200 करोड़ कभी कलप टाइम नहीं थी। ओले इनके पैसे भी दिया तो गेहूं उतना हुआ, ओले के पैसे प्रमाण है, तो पिछला पलवल का आंकड़ा काट लो और ओलावृष्टि का पैसा देख लो। तो सबसे ज्यादा मैं ये कहता हूँ, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान के प्रति जो मुआवजा दिया है या उनको दी है, जमीन के नाम से, एक्वायर के नाम से जितना पैसा दिया, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो पेपर साक्षी है, पेपर निकाल लें, पता लग जाएगी भाई कितना भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए किया है। धन्यवाद मूलचंद शर्मा जी। तो ये हरियाणा के ट्रांसपोर्ट व खनन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिनका कहना है कि किसान जो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करते हुए इन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की रफ्तार अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है, पड़ोसी राज्यों में भी बसें चलने लगी हैं, कोविड गाइडलाइंस को पूर्णतया फॉलो किया जा रहा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।